मैं डॉक्टर तेजस पटेल, सिम्स हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपको हार्ट अटैक के सबसे सीवियर फॉर्म, जिसको हमारी लैंग्वेज में स्टेमी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हृदय का सबसे तीव्र हार्ट अटैक, जिसको स्टेमी भी बोलते हैं, उसमें हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली नली में 100% रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीने में भारी दर्द महसूस होता है, उसके साथ पसीना बहुत आ जाता है, सीने में भारीपन महसूस होता है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, अचानक से सांस फूल जाती है और कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। हार्ट अटैक के लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी भी कोई भी सिम्टम्स होने पर तुरंत ही एम्बुलेंस बुला के नज़दीक के अस्पताल में दिखाइए। घर में एस्पिरिन दवाई है तो पानी में डाल के उसको घोल के पिला दीजिए। याद रखिए, आपके दिल को और आपकी जान को बचाने के लिए हर एक सेकंड महत्वपूर्ण और कीमती है। स्टेमी का सबसे बेस्ट इलाज एंजियोप्लास्टी है, जिसको पामी भी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी में 100% ब्लॉक को बलून और स्टेन की मदद से खोला जाता है। एंजियोप्लास्टी के लिए आपको अद्यतन और कैथलैब की फैसिलिटी वाली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अगर आप तुरंत ही ऐसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको क्लॉट बस्टर यानी कि स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए अद्यतन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए सिम्स में अद्यतन कैथलैब फैसिलिटी अवेलेबल है। पेशेंट को एडमिशन होने के बाद एंजियोप्लास्टी में जो टाइम लगता है, जिसको डोर टू बलून टाइम भी कहते हैं, वो सबसे कम सिम्स हॉस्पिटल में है। सिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए ICU ऑन व्हील, जो अद्यतन एम्बुलेंस है, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मित्रों, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है, बिल्कुल टाइम ना गवाइए, तुरंत ही सतर्क हो जाइए, सिम्टम्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाके अच्छी से अच्छी सारवार करवाइए। आपकी सतर्कता ही आपकी और आपके परिवारजनों की जान बचा सकती है। हार्ट अटैक के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका हार्ट हरदम स्वस्थ रहे। Sims is a calling, a new beginning, a new destination.